अच्छा जी, कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अगर हमें इधर से फ्लाइट डायरेक्ट मिले तो हम सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट में जाके। सर्दी बहुत है भाई, सर्दी बहुत है। अच्छा दोस्तों, ऑक्सीजन की जो है वो भी थोड़ी थोड़ी कमी है, क्योंकि मुझे सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। अच्छा जी दोस्तों, ये जो है ये ट्रैक है, जीप के अंदर बैठ गए हैं। काफी ज्यादा खतरनाक ट्रैक है, अभी जा रहे हैं फिर स्टिल पाए इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी आए ट्रिप आए के लिए, तो कोशिश करें कि अपनी जो गाड़ी है उसको नीचे ही पार्क कर दें, क्योंकि आप लोग जो है वो अपनी जिंदगी का रिस्क मत लें। क्योंकि अब ये रोड है, ये देख रहे हैं अभी बारिश भी लगी हुई है। अदर भाई कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। ये जीप ट्रैक है जो आप लोग देख रहे हैं। अच्छा बाकी जी ये बैठे हुए फिर भाई लोग, काशी भाई कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इन जगहों से हमें हमारी पसंद है। अच्छा जी ये ट्रैक है, ट्रैक भी आप देखते रहिएगा, साथ साथ जो है वो डुअल टाइम वीडियो चल रही है। और बिल्कुल जो है वो सीधी सीधी पहाड़ी है। ये लो जी अपना अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाए जी, पकड़ लो मोबाइल। हेलो, बात कर रहे हैं जी मलिक मुबीन साहब। मैं तो कहता हूँ कि बारिश के दिनों में बिल्कुल घर बैठना चाहिए, कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नारायण का बांध नहीं घूमना चाहिए। आज खैरिया से घर जाएं, बारिश वाले दिन नहीं निकलेंगे घर से। इंजन जोकों ने हमारी पसलियां ला दी हैं। और ये हमारे आसिम भाई हैं जनाब, इस वक्त बड़े लुत्फ हो रहे हैं। उम्मीद है जो हमने नाश्ता किया था वो तो हजम हो चुका है। वो तो हजम हो चुका है, बहुत खोपड़ है। ये दिलीप से बात कर, बहुत खोपड़ है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा कीचड़ जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जीप ट्रक आप देखिएगा, वो बाइक कितने लेके जा रहे हो? जी हाँ दोस्तों, ये है सिरी पाए का ट्रैक, इसकी मुकम्मल वीडियो आप देख रहे हैं। यार गवर्नमेंट नु कह के कोई रोड ही बनवा देना सी। इतना ग्रह ना हो और अब वहां से भी गाड़ी आ रही है सामने से, देखते हैं जी क्या करना है। दोस्तों देख रहे हैं कितनी मुश्किल ड्राइविंग है यहाँ की। तो आप लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा कि 4,000 6,000 10,000 के पीछे जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी जो है वो ना लगाएं, कोशिश करें नीचे से जो है वो आप लोग जो है वो जो जीप है वो बुक कर लें। चजवी कमांडरी भाई ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ
है ये देख ले आप, अजहर भाई को चाबी दी है उन्होंने, यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई टेप लगी हुई है, होने वाला बटन लगाओ, कोई तिलावत लगा दो यार, होने वाला बटन लगाओ, अब फिर लगाओ फिर लगाओ उसको, बहुत ही खतरनाक ट्रैक है ये, अब आपने मोबाइल से कनेक्ट करो, सर जी मेरा पहला फेरा क्या हो, असल में मैं होटल में ड्यूटी करता यहाँ पर अपना उठाया था कर्नल साहब, अच्छा के भाई देना तो उसको लेके चला गया सुनाना है दोस्तों। यहाँ पे अब एक तरफ जो है वो मुकम्मल खाई है और दूसरी तरफ जो जीप है वो देख ले रास्ता कितना तंग है, यहाँ पे आके थोड़ी देर फंस गए हैं, बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह निकल जाते हैं। बाबा जी गलत आ रहे हैं ना, बाबा जी रिवाज बाबा है यहाँ पे जो गाड़ियों की क्रॉसिंग है वो इस तरह की होती है अच्छा इसका 4x4 किधर से लगता है वो जरा दिखा दीजिएगा, दिखा दें किधर है कौन सा 4x4 लगाओगे, यानी आगे करेंगे तो 4x4 और पीछे करेंगे तो इधर करेंगे डबल हो जाएगा, डबल मिल जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये स्पेशल लग जाएगा, ठीक हो आपको नहीं समझ, ठीक हो गया। दोस्तों ये देखें क्रॉसिंग इस तरह की, अब उस जीप को पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो नहीं हटने वाले, नहीं हम तो जहाँ पे खड़े हो जाते हैं लाइन वाइज से शुरू होती है, यही है ना देखिए जी सफर हमारा जो जारी है तकरीबन आधा सफर हमारा खत्म हो गया, आधा सफर रह गया तो फिर जो है वो सिरी पाए पहुंच के आपको लोगों को मिलते हैं। अच्छा दोस्तों पहाड़ों के जो मनाजिर हैं खूबसूरत वो मुलाहिज़ा कीजिएगा माशाअल्लाह, ये चेक कीजिएगा कितनी प्यारी सीनरी आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी का बटन जरूर दबाइएगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की मजेदार सी वीडियोस लेकर आते हैं। और आज का जो ट्रैवल ट्रैक था काफी ज्यादा मुश्किल था, बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर करिए से आगे जा रहे हैं। ये अजहर भाई हैं, ये हमारी जीप है और नीचे खाई है, बाकी जो मनाजिर हैं वो भी आप लोग देखते रहिएगा और बारिश जो है वो शुरू हुई है। बस साज पहुंच गए, जैसे ही पहुंचते हैं फिर आगे के जो मनाजर हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं।
पानी। अच्छा जी दोस्तों, जो कॉल के सिर्फ आए हैं, जो यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे जो है वो बारिश की वजह से काफी सारा जो ट्रैक है वो जाम हुआ हुआ है, तो इससे आगे जो है वो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो बाकी फिर दिखाते हैं आप लोगों को, चल रहे हैं आगे। क्योंकि काफी सारी जो गाड़ियां हैं वो जाम हुई पड़ी हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं और आज़म भाई सबसे पीछे रह गए, बाकी सारे लोग आगे निकल गए। तो डबल साइडेड व्यूज भी दिखाते हैं आपको। थक गया मैं तो, बाकी सारे आगे निकल गए। तो बाकी अभी चल रहे हैं, वीडियो को कर रहे हैं बंद, जितना टाइम लगेगा आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी तकरीबन बज रहे हैं 1:51, दिन के। तो ऊपर पहुँच के जो सीनरी हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं फिर, और टाइम भी बताएंगे। अच्छा जी, अभी टाइम जो है वो हो गया तकरीबन 2:01। तो हाफ जो हमारा सफ़र है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। तो खूबसूरती की ये मनाजर आप लोग देख रहे हैं, बाकी पर अभी आगे चलते हैं, आगे के जो सीन हैं वो आप लोगों को देते हैं। ये है जी सिरी पाए। सतह समंदर से ये जो है वो तकरीबन 10,740 किलोमीटर बुलंद है। बाकी फिर यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो कैंपिंग भी आगे करते हैं, जैसा कि वो तो अच्छा जी, अभी जो है वो ऐसा सीन हो गया, यहाँ से फ्लाइट हो सीधा सीधा। अच्छा जी, अजहर भाई लोग पीछे बैठ गए हैं, तो वो बाकी की सीनरियाँ जो हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी फिर अभी आगे चलते हैं, आगे के जो सीन हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो बाकी फिर वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। अच्छा अजहर भाई, अरे अबरार भाई, अच्छा जी कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अगर हमें इधर से फ्लाइट डायरेक्ट मिले तो हम सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट में जाके। सर्दी बहुत है भाई, सर्दी बहुत है। अच्छा दोस्तों, ऑक्सीजन की जो है वो भी थोड़ी थोड़ी कमी है, क्योंकि मुझे सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। बंदे भी ताकि नया बस ज्यादा मंगावा है। अजहर भाई कैसा फील कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। कैसा रहा टूर? बहुत जबरदस्त, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ऑक्सीजन कम है लगता है, थोड़ी थोड़ी सांस शायद थोड़ी सी कमी है, लेकिन दिल वालों को कुछ कमी नहीं महसूस होने देती। ठीक है, और बाकी फिर जो दोस्तों यहाँ के जो व्यूज हैं वो मैं आप लोगों को देता हूँ यहाँ से, वीडियो को एंजॉय कीजिएगा।